असलम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्नैप चैट अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, टेम्परेरी या परमानेंटली। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। वीडियो ही बिल्कुल छोटी सी होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो के, तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए, तो सिंपली हमने ये जाना कि हमने स्नैप चैट को डिलीट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्नैप चैट की एप्लीकेशन में जाएंगे। स्नैप चैट की एप्लीकेशन में जाने के बाद आपने क्या करना है, राइट अप कॉर्नर पर आपको ही लैपटॉप कॉर्नर पे आपको प्रोफाइल आइकन मिलेगा। आपने क्या करना है, अपने प्रोफाइल आइकन पे टैप कर देना है। दोस्तों अपने प्रोफाइल आइकन पे टैप करने के बाद दोस्तों आपने आपने क्या करना है, प्रोफाइल आइकन पे टैप करने के बाद राइट अप कॉर्नर पे आपको एक यानी कि गियर का ऑप्शन नजर आएगा, सेटिंग का। आपने क्या करना है, उस पर टैप कर देना है। सेटिंग के ऑप्शन पर टैप करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आ जाएगा स्पोर्ट्स पे आपको आई नीड हेल्प का ऑप्शन नजर आएगा। हम दोस्तों जो कोई भी हो, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, जो भी हो, हम हमेशा नीड हेल्प पे ही जाएंगे। आपने क्या करना है, नीड हेल्प पे टैप कर देना है। नीड हेल्प पे टैप करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आता है आई नीड हेल्प में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने थोड़ा क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, मैनेजिंग माय अकाउंट पे टैप करना है। मैनेजिंग माय अकाउंट पे टैप करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट। यहाँ पर मैनेजिंग की जगह आपका सिक्योरिटी एंड अकाउंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, लास्ट में ही आपको डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट का ऑप्शन नजर आ गया। आपने क्या करना है, रीएक्टिवेट माई डिलीट माई अकाउंट। यहाँ पर दोस्तों यहाँ इस तरह का इंटरफेस आ गया। यहाँ पहले आता था हाउ डू आई डिलीट माई स्नैपचैट अकाउंट, ये जो आया हुआ है दूसरे नंबर पर, हाउ डू आई रिएक्टिवेट पर स्नैपचैट करो। ये न्यू अपडेट्स आई है, ये न्यू फ्यूचर आया है, इसमें न्यू ऑप्शन दिया हुआ है। हमने क्या करना है, डिलीट करना। हम सिंपली पहले फिर टैप करें। टैप करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस, ये चाहे हुआ टैप द बटन इन द प्रोफाइल स्क्रीन टू ओपन सेटिंग्स, स्क्रॉल डाउन। इतना ईजी बताया हुआ है, वैसे इतना ईजी है नहीं। आपने क्या करना, सिंपली टू डिलीट योर अकाउंट इफ यू आर और राइट ऑन मे वेब, वहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर नीचे ब्लू रंग का अकाउंट पोर्टल का ऑप्शन नजर आएगा। आपने क्या करना है, सिंपली अकाउंट पोर्टल के ऑप्शन पर टैप कर देना है। दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, आपके अकाउंट का कोई भी पासवर्ड हो, आपने क्या करना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जैसे कंटिन्यू करके आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। मैं इसे डिलीट नहीं करना चाहता, ये क्योंकि मैं ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो इस तरह अगर यहाँ आपके इस तरह का ऑप्शन है कि आप 30 डेज़ के अंदर अंदर आपका माइंड चेंज होता है तो आप दोबारा इसे रीलॉगिन कर लेते हैं, कि सोचते हैं कि नहीं यार अपना अकाउंट वापस ले लेते हैं, तो आप रीलॉगिन कर लेते हैं यानी। लेकिन अगर आपने 30 डेज़ के बाद आपका ये अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर आपको ये शो ऑफ नहीं होगा, आप लॉगिन नहीं कर सकते। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो वो भी आपको सिंपल से तरीके से बता देता हूँ इसी वीडियो में, कि आप पासवर्ड कैसे यूज ढूंढ सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली से अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद राइट अप कॉर्नर पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। 3 डॉट के ऑप्शन पर आपने क्या करना है, 3 डॉट के ऑप्शन पर टैप करना है। 3 डॉट के ऑप्शन पर टैप करने के बाद नीचे ही आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपने क्या करना है, सेटिंग में टैप करना है। सेटिंग में टैप करने के बाद आपने नीचे आ जाना, नीचे ही सर्च इंजन में आपको पासवर्ड का ऑप्शन नजर आएगा। 10 सेकंड में आपने क्या करना है, पासवर्ड के ऑप्शन पर टैप करना है। पासवर्ड के ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ आपको जितने भी आपके करेक्ट पासवर्ड है आपको मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये मेरा फेसबुक का पासवर्ड है, यहाँ पर मिल जाएगा। आपका स्नैपचैट का पासवर्ड यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली से तरीके से आप स्नैपचैट के पासवर्ड यहाँ से देखकर आप वहाँ पर टैप करके डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऑल सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में कोई भी अपडेट्स हो, कोई भी न्यू फीचर हो, मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।